पूर्वी साई राम। परम वेरी नाइस। हु इज दिस ड्रैगन? शिवम पारिक। अच्छा, खुशी गुप्ता, वेलकम बच्चा। टुडे वी आर हैविंग द न्यू स्टूडेंट इन अवर क्लास एंड आई थिंक हर नेम इज खुशी गुप्ता। खुशी यस सर, वेलकम। राइट, थैंक यू सर। यू गॉट द ईमेल फ्रॉम माय साइड ना? यस सर। वेरी नाइस, गुड। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड ओपन देयर वीडियो सो दैट आई कैन सी एवरीवन। माधव, रोमिशा, या यू लुक सो हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, व्हाई यू हाइड योर सेल्फ? शिवांश, वर्षा दीदी, मैडम सर, अरे प्रेजेंट इज ओके, आई कैन सी, बट लेट मी सी योर फेस ना। पूर्वी दीदी, ओनली 9 आर हियर एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ज्वाइन बाय मोर, देन वी विल स्टार्ट। रुमिशा क्या बात है, ज्यादा खाना वाना ज्यादा खा लिया तूने लगता है। हाँ, वर्षा वास्त्री, वेरी गुड, आई कैन सी नाउ। वेदांशी इज ऑल्सो, साई राम मेरे बेटे। 11 पीपल हैव ज्वाइंड। सायरम सर, साई राम मेरे बच्चे। दिशा दीदी ऑल्सो ज्वाइंट, वेरी गुड। रोमिशा एंड शिवांश शर्मा इज नॉट कमिंग फ्रंट। लेट मी सी माई फेस ऑल्सो ना। आप लोगों को मैं दिख रहा हूं? यस सर, गुड, वेरी गुड। यस सर, हाँ, शिवांश शर्मा इज ऑल्सो न्यू स्टूडेंट आई थिंक, यस और नो? वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। थैंक यू सर, बस अच्छे से पढ़ना है ना, डोंट वरी, यस सर, सब अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, हैं? तो हम लाइव मिलेंगे फिर। यस सर, सर भी मिले हम, सॉरी सर, लाइव भी मिले हम, लाइव भी मिले हैं। डड्डू से तो सारे मिले हुए हैं यार, सर होली पे मिले थे। अच्छा, होली पे मिले थे, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं और वेट कर रहा हूँ, काफी लोग हैं, 33 स्टूडेंट आई थिंक इनरोल्ड इन द क्लास, ओनली 11 आर प्रेजेंट हियर। ऑल राइट, इनविटेशन तो सभी को मिल रहा है आई थिंक, किसी को गड़बड़ी तो नहीं हो रही है मेरे द्वारा? नो सर, नो सर, आप दिखते ना सब, सारे स्क्रीन में सारे लोग दिखते हैं ना, एक दूसरे को सारे देख पा रहे हैं? एक दूसरे को देख पा रहे हैं सारे लोग? माधव, यस सर, यस सर, गुड, यस सर, यस सर। लास्ट लास्ट क्लास किसका था सर? मैथ्स, नहीं, नहीं बेटा, ये होता है घर में बंद रहते रहते ना, थोड़ा सा हिलता है ये, डिस्टर्ब हो जाता, मैं भी ऐसे ही हो रहा हूँ। नहीं सर, भूख लग रही है इसलिए हो रहा है। वर्षा मजे ले रही है तेरे, भूख लग रही तो खाना खाना, किसने मना किया है? खाना खा, हम भी देखे क्या खाना खा रही है। खा लिया सर, बनाना खा लिया मैंने। हाँ
मोमेंट के पीछे टीवी चल रहा है लगता है, आवाज आ रही है। नहीं सर। All are 19. We are 19 today. Let me check what we have to start today. Okay. All right, we are 20 now. Can we start now? Or shall we wait for two, three more minutes? Say yes or no. Can we start? Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. चलो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ इन 20 का, फिर बाद में भी एक बार दो तीन बार अटेंडेंस ले लूंगा। ओके ऑलराइट, सो आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू एंड देन वी विल अगेन ट्राई टू रिवाइज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। राइट, I hope you are able to see my screen now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the previous class, yesterday, we have covered the meaning and importance of physical fitness, wellness, and lifestyle. All right. Then we have also covered the importance of physical fitness. Very good. And we have covered the importance of physical fitness, wellness, importance. Then we have covered the component of physical fitness. Right? So in that, is there any doubt in this now? Component. Physical fitness. Is there any doubt? No, sir. No, sir. Component of physical fitness. Okay. Component of wellness also we have covered yesterday. Or we have to start today. Or we have to start today. Component of wellness. Yes, right. So, as you can see on the screen, components of wellness, right? So, there are some important components are there. If we are able to achieve that components, if we are able to complete that object, if we are able to achieve that object, then we can say that we are just moving nearer and closer to the wellness. So, what is wellness? We have yesterday discuss about that wellness. You can see here, wellness is the capacity of an individual by which he leads a balanced life. Once again, I am repeating, wellness is the capacity of an individual by which he leads a balanced life. Now, what is the meaning of balanced life? We have understood that the four or five domains are there which each and every person has to look after. One is physical domain, second is mental domain, third is social domain, fourth is psychological domain, and fifth is right. So these five domains everybody has to look after. Now it means if a person is physically fit, mentally alert, socially well adjusted, emotionally balanced, then the person can be called spiritually uplifted. And when we are able to achieve these five components in a proper way, or four components in a proper way, then we can say that we are living a
wellness or wellfulness life. Now the first point, that is social wellness. Now what is social wellness? It is the ability to interact with the people. Now what is the meaning of interaction with the people? Sometime what's happened, there are certain boys and girls or the people, those who are not able to feel comfortable to interact with each other. They feel shy. They feel sometimes, if you have seen it, that the pupil shows attitude. And now, hota na kai baar bolte na yaar, uska attitude bahut jyada hai. Bahut jyada means what? The person is not basically socially well adjusted. When the person is not socially well adjusted, it means the person is not enjoying that wellness position. One component of wellness is he's missing that. So a person should be in such form or in his presence in such a way where he is having the comfortableness not only to the pupil who is like him or her, but also to whom he doesn't like, but able to interact, able to just express themselves, able to give their ideas, never hold their ideas. If we are able to talk to the people, we respect to others' opinion, we respect others' opinion, then we can say that person is socially well-adjusted. And when the person is socially well-adjusted, he is enjoying the social wellness, right? The second one is called emotional wellness. Now what is, what is emotional wellness? Ability to control stress, emotion appropriately. Now this is very important nowadays, and you people are very lucky that at least in the theoretical part you are able to understand what is the emotional wellness. So emotional wellness is ability to control stress. See, in this world nobody is free from the stress or anxiety or tensions. Everybody is suffering. Now what is more important? If you are having some anxiety, if you are having some stress, how better, how well you are able to manage your that stress and anxiety. If you are managing properly, it is not affecting your on your health, it is not affecting on your social relationship, if it is not affecting on your mental stresses, then you can say the person is emotional well. So this is the art where we have to learn how to manage our stress and anxiety, right? कई बार क्या होता है, आप देखिए, हम अगर स्पोर्ट्स के सिनेरियो में जाएं, गेम कंडीशंस में जाएं, तो गेम कंडीशंस में क्या होता है कि हम मैच बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हमारे एक साथी खिलाड़ी के कारण हमारी टीम उस दिन 2 पॉइंट से पीछे रह गई, इसका मतलब हार गई. तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, उस खिलाड़ी के ऊपर एकदम जोर से गुस्सा होने लगे, तेरी गलती के कारण हम हार गए थे, तेरी गलती के कारण हम लोग हार गए थे, तूने ऐसा कर दिया था, तूने वैसा कर दिया था. हुआ क्या, अब आप सोचिए, हम 5 लोग खेल रहे थे बास्केटबॉल का गेम, एक आदमी ने एक गलती की, लेकिन उसको पनिशमेंट किसने दिया, 1, 2, 3, 4 चार लोगों ने पनिशमेंट दिया ही दिया उसे. और उससे पहले वो खिलाड़ी खुद अपनी गिल्ट में था कि यार मेरे कारण ये गलती हो गई मुझसे और मेरी टीम सफर कर गई. देखिए 5 जगह से इमोशनली इम्बेलेंस्ड हुआ वो. अब उसी की जगह पे हमको क्या करना चाहिए था, हमको उस खिलाड़ी को सपोर्ट करना चाहिए था. कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, वी विल विन इन द नेक्स्ट टाइम, बट इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए. हारे तो डिप्रेस ना हो और जीते तो ओवर एक्साइटमेंट ना हो, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है हमको, क्योंकि हमको विनिंग को भी उसी व्हाट आई विल से हमको उसी रिस्पेक्ट के साथ में रिसीव करना है, विनिंग को भी, और लूजिंग को भी क्या करना है, उसी रिगार्ड्स के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना है. बिकॉज जो आदमी हार को एक्सेप्ट करना सीख गया, यहां मुझमें कोई कमी थी एंड दे आर बेटर देन मी बिकॉज ऑफ दैट दे हैव वॉन, अगर वो ये सीख गया तो वो विनिंग को भी अच्छे से डाइजेस्ट करना सीख जाएगा. कई बार देखते हैं ना, सक्सेस लोगों के सर पर चढ़ के बोलने लगती है, तो ये इमोशनल इम्बेलेंस है. सक्सेस में भी हमको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और जब अगर हम लूज कर गए हैं या हम किसी काम को अच्छे बेहतर से नहीं कर पाए हैं, तो हमको डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी भी नहीं लानी है, स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं करना है. ठीक है, कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, कल हम बेहतर तरीके से करेंगे. आई होप आई एम मेकिंग क्लियर, सही है सर, नो? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Very
Thank you. The third one is called physical wellness. I will come to the physical wellness. Right? Now, what is physical wellness? It is the ability to carry out the daily task. Now, who can be called a person is enjoying the physical wellness? A person who is doing their daily routine work or completing daily routine task in proper way without having any fatigue, any tiredness, any irritation. If the person is doing that work effectively and efficiently, then that person can be called physical wellness. So it is the ability of to carry out the daily task, right? So we have covered physical, we have covered emotional, we have covered social. Now the next one, occupational wellness. Now what is this occupational wellness? A wellness between work and leisure. Very important point to understand. A balance between work and the leisure. Occupational wellness का मतलब ये हुआ कि जब मैं अपनी officially कोई काम कर रहा हूँ, I should give my 100%. If any task, any work, if I am doing as my duty, then I have to give my 100% always. No matter either somebody is supervising me or not supervising me. And at the same time, I should also have some time to recreate myself, to bring back to the normal leisure time. जो मेरा quality time है उसको भी enjoy करना मुझे आना चाहिए. केवल work 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 वो नहीं चलेगा. Work के time पे work और leisure time के time पे वो quality time जिसको मैं अपने तरीके से enjoy करता हूँ. वो समय जिसको मैं fun के तौर पे enjoy करता हूँ. That also has to be balanced. Work and leisure time should be properly balanced. That is called occupational wellness. Now I will come on the intellectual wellness. Now what is intellectual wellness? Ability to learn and use information effectively. See, in this world of IT or IP, right? We are having so many platforms where we can gain a lot of knowledge and information. Now, what is more important? What kind of the information is good for me and what kind of the information is not good for me? That has to be identified by my own self. Intellectual wellness, ability to learn and use. कौन सी चीज मेरे काम की है और उसको मुझे कितने बेहतर तरीके से सीखना है और सीखने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को कितने बेहतर तरीके से I can implement in my day-to-day life or I can include that skills or information in my work. That is called intellectual wellness. अगर मैं ये सब कर पा रहा हूं तो मैं इस component of wellness को enjoy कर रहा हूं. Are you getting my point? Say yes. Yes, sir. Very nice. Yes, sir. Thank you. Now the next point is environmental wellness. What is environmental wellness? Environmental wellness means it is the ability to promote health measures and improve standard of living. The environment around you, the environment which surrounds you should be such where you are able to promote your health and health measures. अपनी सेहत का ख्याल तो रखनी रखना है, साथ में और क्या चीजें हमको करनी है जिससे हम स्वस्थ रहे. That is more important and that improves standard of living. How better your standard of living, your standard of your life can be improved, that surroundings should be made in a better way. If you are able to do that, it is comes under the environmental wellness. So we have covered social wellness, we have covered emotional wellness, we have covered intellectual wellness, we have covered physical wellness, we have covered occupational wellness, and at the same time we have also covered environmental wellness, right? The last one is very important. That is, spiritual wellness provides meaning and direction in the life. After acquiring this all qualities, what for? You have gained this all the qualities, either it is social wellness, either it is emotional wellness,
either it is intellectual wellness or occupational wellness or environmental wellness or physical wellness, what for you are acquiring this? Here you have to use it that in the right meaning and direction in the life. What for I am? Who am I? What I am doing? Is it better for betterment of the society? कि केवल मैं अपने 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 लिए करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं सीखने के बाद में लोगों के लिए भलाई का कुछ काम कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं. Either I am able to share my knowledge, information, my hard work, my skills to others. I'm sharing that or not. When this direction develops, that my life is precious and I have to work for the betterment of the humankind or for my society. When you get the direction, that is called spirituality. केवल मैं करके ये छोटा सर्कल नहीं बनाना है. मैं, when I say मैं और I means it is very small circle. देख रहे हो ना, ये पूरा एक सर्कल छोटा सा बनता है. But when we say we, it's become infinite. है ना, बड़ा सा बनता है. तो हमको हमेशा क्या करना है, हमेशा दूसरों के भलाई, हमारी जो भी काम हम कर रहे हैं उसके डायरेक्शन पॉजिटिव होने चाहिए, उसके डायरेक्शन अच्छे होने चाहिए, वो दूसरों की भलाई में लगे. अगर हम ये कर पा रहे हैं तो वी आर एंजॉयिंग द वेलनेस पोजीशन. आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस. यस सर. हां, यस सर. यस सर, वेरी गुड. अच्छा, किसी ने नॉड करके एक वो है एक्सटेंशन गूगल का, वो किसी ने डाउनलोड किया है? यस सर. यस सर. दिखाओ मुझे एक दो लोग, कैसा लगा अभी का नोड डाउनलोड किया? देखो मैं बताता हूं मैंने कैसे किया है. ये मेरी साइड से है ना, कितनों के पास है जरा? yes, सब आया. दिखाओ, करके दिखो. लेट मी सी, मेरी स्क्रीन पे आना चाहिए. ये शिवानी का आ गया, श्रावणी का आ गया, वेरी नाइस. दिशा का भी आ गया, वेरी गुड. राइट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डाउनलोड दिस एक्सटेंशन. तो बीच बीच में क्या होगा, जब मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा होगा और व्हेन आई विल से आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं. आर यू हैप्पी, तो इसमें नोड में बहुत सारे हैं. कोई क्वेश्चन भी है तो ये नोड का क्वेश्चन है. रेज योर हैंड्स अप सो दैट आई कैन सी, या किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं रुक जाऊंगा और फिर मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन दोबारा से कर पाऊंगा. ठीक है, करेंगे सारे लोग? वेरी गुड. तो एक बार करके मुझे बताना सारे लोग अगली क्लास में जब भी आएंगे तब. राइट, आई एम गोइंग बैक अगेन ऑन माय स्क्रीन. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू. लेट मी सी व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू शेयर विथ यू. सॉरी, नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स लाइफस्टाइल थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस. ऑलराइट, सो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रिवेंट हेल्थ थ्रेट्स. अब जैसे हमारे अभी हम कोरोना पेंडेमिक से इफेक्टेड है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग? घर में रह रहे हैं. घर में रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मास्क पहन के रह रहे हैं. और क्या कर रहे हैं? बोले बार बार हर घंटे, हर आधा घंटे में 20 मिनट्स के लिए ओम भूभुव स्वात असुवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि देवो नमः प्रचोदयात्, ओम शांति शांति. क्या करते हैं? हाथ 20 सेकेंड्स, है ना, 20 सेकंड के लिए हाथों को धोते हैं. तो हम ये क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू चेंज इन लाइफस्टाइल. जूते चप्पल घर के बाहर ही उतार रहे हैं, घर के बाहर जूते चप्पल उतारने के बाद में हाथ मुंह वगैरह धोकर के घर के अंदर घुस रहे हैं. किसी भी फालतू चीज को हम हाथ से टच नहीं कर रहे हैं, बाहर बाजार में कर रहे ना. हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं अपना. किसको प्रिवेंट करने के लिए? कोई जवाब देगा? कोई जवाब देगा मुझे? लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं हम अपनी किस चीज को रोकने के लिए? हेलो सर, हेल्थ को. हाँ, प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, सो नाउ हियर वी विल गो थ्रू व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द हेल्थ थ्रेट्स. सो हियर द फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग, दैट इज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस. आज भी इस प्रेजेंट पैंडेमिक्स में रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो? द
The reason is you want to develop, you want to increase your immune system. How you can improve your immune system? If you are doing that regular exercises, your chest gets expanded, your lungs get expanded, and you are able to inhale more oxygen. आज की तारीख में रिसर्च बता रहे हैं डेथ किनकी हो रही है डेथ उन लोगों की हो रही है जिनके जिनके ऑक्सीजन लेने में सांस लेने में जिनको तकलीफ है ना तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो एक्सपेंशन है चेस्ट का वो ज्यादा होगा उसमें कंजेक्शन कम होगा तो हम उस डिजीज में जल्दी ट्रैप नहीं होंगे तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज वन ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंज विच एवरीबडी हैज टू डू एवरीबडी शुड गेट इन्वॉल्व herself or himself for this physical exercises at least for 40 to 45 minutes regularly and if you are not able to do regularly at least thrice in a week teen din kam se kam ek saptah mein humko ye karna chahiye either me either my mummy either my daddy either my sister either my brother either my dadaji or either my dadiji all everyone has to do some or other form of physical exercises so that they should be able to develop their immune system they should be able to make his or her body strong so this is the first point the second point sufficient sleep aajkal kya ho gaya hai mobile pehle mobile mangna bada mushkil kaam hota tha mummy papa se ki humko koi mobile dilate de hai na aur jab mobile dilane ki ab to sab bolte hain ab agar mobile nahi dilayenge hum to padh hi nahi payenge Shravani, am I right or wrong? You can use yes, sir. You can use note. Isa, am I right or wrong? है ना तो ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी Sufficient sleep means each and every person required at least 7 to 8 hours sound sleep. अब साउंड स्लीप कब होगा अभी तो घर में ही है कोई काम तो है नहीं सुबह उठे टीवी चालू करके बैठ गए फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमे मम्मी की थोड़ी सी डांट खाई थोड़ा पापा जी से नजरें चुराई फिर दूसरे काम करना शुरू कर दिए और मोबाइल मिल गया है तो रात में अकेले में वो चादर डाल के मोबाइल के अंदर लगे हुए यस और नो होता है ना इट इज बैड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट यू हैव द सफिशियंट रेस्ट सफिशियंट स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 8 hours रेगुलरली No tension, no worries. When you are going for sleep, you are just free of tension and anxiety. Third one is limiting the amount of alcohol. I know my children are not doing this all, right? But still, the people, those who are doing this, they have to avoid that. It hampers the health of the individual. If you want to prevent the health threats, you have to change this through your lifestyle. आपको ये अपनी लाइफ स्टाइल से बाहर निकाल के हमेशा फेंकनी पड़ेगी हमेशा इससे दूर रहना पड़ेगा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ईट बैलेंस्ड डाइट ईट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फूड च्यू प्रॉपरली हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू च्यू वन ग्रास हेलो मोनी बाबू 32 times 32 बार वो गाय भैंस को देखा कैसे जुगाली देते हैं कर देना ऐसे ही हमको करनी है वन ग्रास शुड बी च्यू एटलीस्ट 32 times हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 और अंदर सो दिस ऑल ईटिंग हैबिट्स हैज टू बी डेवलप्ड प्रॉपरली राइट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज maintaining healthy weight what is the healthy weight who is going to tell me what is the healthy weight how you can find out bhai band kar do ha un bhaiya ke alawa bata do how you can maintain healthy weight height ke according very nice So BMI, you easily you can measure your BMI, weight upon height square, right? अपनी weight ले लीजिए और अपनी height लेकर के और उसका square में करके और divide करके आपका BMI आ गया.
So that body weight is also very important. Research shows that in metropolitan cities, 90% children are suffering with the obesity problem. When we talk about the metropolitan cities, now the causes are there. See, when they are living in the metropolitan cities, they are living in the flats, multi-stories. Now they are not having the proper grounds. When they are not having the proper grounds, they are not able to do the physical exercises. So what they are doing, they are playing on the mobile. They are playing on the PlayStation. They are playing on the in the drawing room. A school also not having the proper grounds. So they are not having that kind of the that infrastructure where they can work out, where they can play. So that is also one of the reason. And at the same time, they are also not having the proper kind of the food. Burger, pizza, samosa, So that also putting the adverse effect on the health of the individual. The next one is limited TV watching. भैया ध्यान से सुन रहे हैं. Limited TV watching. Don't be couch potato. Don't be couch potato. Limited TV watching. ये बहुत बुरी बात लिख दी इन लोगों ने है ना. If you want to keep yourself healthy, just control your TV watching hours. Next one, quit from the smoking. मेरे बच्चे नहीं करते हैं और कभी नहीं करेंगे मुझे मालूम है. ठीक है. It is also dangerous, right? It is also bad for the health. You have to quit. और अगर घर में कोई करता है तो उसके भी पीछे धीरे धीरे लगा रहना है और उसको भी quit कराना है. All right? Prevention of the injuries. Very important. साइकिल चला रहे, साइकिल से फिर धीरे धीरे स्कूटी पे आ गए, मम्मी से छुपके चुपचाप चाबी निकाल ली और निकल लिए साड़ा भरसूला है, गाड़ी से स्केट कर गई, इंजुरी हो गई, क्या हुआ, हेल्थ थ्रेट क्रिएट हो गया है, टेम्परेरी डिफॉर्मिटी आ गई या परमानेंट डिफॉर्मिटी आ गई, देन अगेन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर दी हेल्थ. खेलते टाइम पे ध्यान रखना है, प्रॉपर गैजेट्स पहन के खेलना है, सेफ्टी मेजर्स लेके खेलना है. So prevention of the injuries is also very important for preventing the health threats. And the last one, sorry, I have already completed this. So these are the few points. इससे भी और भी हो सकते हैं, और भी point हो सकते हैं, जिससे कि हम अपने lifestyle को change करके health threats को prevent कर सकते हैं, right? I hope it's clear to all. Yes, sir. Yes or no? Chalo, very nice. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now tell me. Yes, sir. All right. Now, any question regarding this, what we have covered today? Any question? Anything which you want to ask? Momik, anything if you want to ask? No. No. Kushagra, beta. No, sir. All right. अच्छा ये जो नए बेटे आज join किए class में, एक बार वो window पे सामने आ जाए face to face. बच्चा, we have completed 3 chapters. Okay, right. ये सुहानी पाल एंड दिस इज देवांशी मिश्रा. ऑल राइट. नाउ सी, वी हैव कवर्ड 3 चैप्टर्स, राइट. फर्स्ट चैप्टर इज, सी आई विल सेंड यू द पीडीएफ, राइट, पीडीएफ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन योर क्लास ग्रुप, राइट, और इफ यू आर एबल टू डाउनलोड फ्रॉम दिस, आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड हियर in my invitation. आपने invitation देखा mail पे? Invitation को खोलेंगे तो उसमें आपको ये दिखा होगा. Let me show you. Attachments, sir. Attachments. Definitely. Now see. मैं present कर रहा हूँ. ये आपको ये वाला blog दिखा होगा. दिखा है आपको? सुहानी बेटे, ये attachment आपको email में दिखा?
Yes, sir. Kusi? Yes, sir. Devanshi? Yes, sir. तो इसमें ये अटैचमेंट दिख रहा है, जब इस अटैचमेंट को खोलता हूं तो ये दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर ये डाउनलोड हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो मुझे फिर बताइएगा। आई विल सेंड यू दिस ऑल एंड देन गो थ्रू इट। और चैप्टर है जो हम पहले कवर कर चुके हैं, बट आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस टू। First is changing trends and career in physical education. I will provide this both PPT and the PDF. Then the Olympic value education. This we have completed in the previous classes. Again, I will send you this PDF and PPT. And third chapter today, we are just revising. All right. If in case any doubt you are having, go through this all the PDF and PPTs. Any doubt you are having, you have all the rights. You can ask anytime. Right? Don't feel agitated. Don't feel shy. We all are learner, right? And learners never shy to ask or to create curiosity, and always try to create doubts so that we should learn. You will also learn and I will also learn. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very yes, good. Yes, sir. हाँ तो ध्यान रखना है, हमेशा चीजों को पूछना है, शांति से बैठे नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर हमारी लर्निंग नहीं होगी, मैं भाषण देता रहूंगा आप सुनते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कम्युनिकेशन, राइट। तो आई होप टाइम इज ओवर, कुशाग्र टाइम इज ओवर और नॉट? नो सर, 33 हुआ है। यस सर। ओके, तो अभी टाइम है। यस सर। अच्छा ठीक, चलो तो अभी और क्या बात करनी है मुझसे बताओ। चलो जल्दी से एक टॉपिक, एक पॉइंट और कवर कर लेता हूं मैं, है? ऑलराइट, तो हमने अभी तक क्या किया, आज हमने दो टॉपिक्स कवर किए, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस और दूसरा था हमारा प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स लाइफस्टाइल through lifestyle changes, right? Now the next is, last one is component of positive lifestyles. Ab component of positive lifestyles hai kya? Number one, proper rest. Dekhiye, baar baar bola ja raha hai. Proper rest and sleep provides freshness and active life. To dhyan rakhiye, ab iska matlab ye nahi ki abhi bas class khatam hui aur saron ne chadar taan liye. और जब मम्मी डैडी बोले कि भाई प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, इतना ज्यादा क्यों सो रहे हो, तो बोले सर ने बोला था कि प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ रात में 7 to 8 hours, है? उससे ज्यादा नहीं। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द स्लीप और व्हेन यू आर गोइंग फॉर द रेस्ट, इट शुड बी प्रॉपरली डन। जब हम पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई का फोकस, जब हम खेलते हैं तो केवल पढ़ाई पे फोकस, जब खाना खाते हैं तो केवल खाने पे फोकस, और जब हम रेस्ट और स्लीप पे है तो बाकी टाइम पे इस दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। रेस्ट एंड स्लीप, दैट्स ऑल, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी। अगेन फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना अपने आप को बेंड करेंगे, जितना अपने आप को स्ट्रेस करेंगे, वो हमारे लिए एफिशिएंट टूल बनेगा और उसी से हम लोग आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। देन सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। अब जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, वो सराउंडिंग्स हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है? कई बार क्या होता है, हम लोग स्कूल से आते हैं और शूज उतारे, एक शूज उधर कॉर्नर में पड़ा है, दूसरा उधर पड़ा है, कपड़े हम लोगों ने चेंज कर रहे हैं, एक उधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, मैसी रूम है हमारा, होता है कि नहीं होता है? तो वो नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीजें, घर के बाहर भी सफाई हो, घर के अंदर भी सफाई हो और खुद की भी सफाई प्रॉपरली हो। तो दैट सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इंप्रूव्स अवर वेलनेस। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी गिवन द कमेंट ओवर इट, दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक योगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस, दिस ऑल हैज टू बी डन।
And we all are very lucky that we are studying in such a school where we are getting each and everything. We perform yogas. We also get the spiritual guidance, that 20 minutes Balbikas classes before starting our academics. We are very lucky that we are getting that. And because of that, we are having the very positive mindset. Remember that. The next one is healthy habits. Now, what is healthy habits? Keeping oneself clean and safe from the diseases. कितने बार टीथ को कितने बार साफ करना चाहिए? पुसाग्र? पुसाग्र? Yes, sir. कितने बार दांत साफ करने चाहिए? सर दो बार. Very good. राज हो जा. Yes, sir. कितनी बार? सर दो बार. करते हैं ना? Yes, sir. Very good. Okay. Socks daily धोने चाहिए. है ना? बालों में ऑयल लगानी चाहिए. बाल छोटे-छोटे रहने चाहिए. नेल्स कटे होने चाहिए. ये क्या है? हेल्दी हैबिट्स है. कीपिंग वनसेल्फ क्लीन एंड सेफ फ्रॉम द डिजीजेस. और इन अगर हम गंदे रहेंगे तो फिर हमको बीमारियां हो जाएंगी. सो दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड. द नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट. Unbalanced diet causes chronic health problems. Where balanced diet improves our good health. अगर हम अच्छा खाएंगे, सेहत अच्छी मेंटेन रहेगी. अगर खराब खाएंगे, साड़ा में किनारे खड़े हुए उसे मोमोज खाएंगे. प्रियांशु भाई, are you there? आज प्रियांशु चला गया लगता है. मैं अभी अटेंडेंस लूंगा, कोई नहीं जाएगा, ध्यान रखना. तो हमको अच्छी हाइजीनिक प्लेसेस पे खाना खाना चाहिए था, है ना? हमेशा खाना चाहिए. मैंने कई बार एक गुना में एक जगह देखी थी, शास्त्री पार्क. पहले वहां पे एक मद्रासी डोसा बनाता था, तो उसके यहाँ पे लाइन बना के लोग खड़े हो जाते थे. क्यों खड़े हो जाते थे? क्योंकि 10 रुपए में डोसा देता था वो. तो वो क्या करता था, एक आदमी ने खाना खाया, उसकी प्लेट ली, एक गंदे से पानी के उसमें टब में डाली, उसमें धोई, निकाली, फिर साफ पानी के उसमें ऐसे हाथ घुमाया और उसने कपड़े से पोछा गंदे से, और उसने नया डोसा रखा और दूसरे आदमी को पकड़ा दिया. है ना? याद है ना? तुम बहुत छोटे हो गए उस टाइम पे. तो ये ऐसी जगहों पे हमको खाना खाना ही नहीं है. हमको ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स डाइट होनी चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलाइजेशन. गुड सोशल रिलेशंस विद द फेलोज एंड नेबर्स. हमारे दोस्तों से हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हमारे पड़ोसियों से हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए. क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी रखेंगे हमको पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर हम नेगेटिविटी रखेंगे हमको नेगेटिविटी मिलेगी. सोशलाइजेशन का रूल ये कहता है कि वी शुड बी गुड विद ईच एंड एवरी वन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल्स. एंड द लास्ट वन इज मेडिकल चेकअप. वी शुड हैव द रेगुलर मेडिकल चेकअप टू प्रिवेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स. हमको हमेशा अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए. ये नहीं, अरे यार थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, ऐसे नहीं. नेवर एवर अवॉइड योर हेल्थ. गो टू द डॉक्टर, गेट प्रॉपरली चेक्ड अप एंड देन रिलैक्स. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल्स. इज दैट क्लियर नाउ? वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. That is called दिव्यांग. तो हम कल उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है? ठीक है? और या एक बार पीपीटी भी शो करूं इसका कल. माधव, नीलेश, यस सर, व्हाट डू यू वांट? आई शुड कंटिन्यू विद दिस चैप्टर फर्दर? टेल मी. हेलो. यस सर. हाँ, क्या करना है? नया चैप्टर लूँ या इसी चैप्टर को एक बार पीपीटी से भी पढ़ा दूँ? सर पीपीटी से पढ़ा दीजिए एक बार. पीपीटी से पढ़ाना है? डबल मेहनत तुम लोग बदमाशी कर रहे हो. चलो कोई बात नहीं, वी विल डू दैट ऑलराइट. बट बिफोर दैट यू ऑल शुड आल्सो गो थ्रू इट. सबको पढ़ना है ये, पढ़ने के बाद में. और कल मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा. ऑलराइट पूर्वी, वेलकम. ऑलराइट, तो मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं, है ना, जिससे कि मुझे आसानी रहेगी.
All right, bacha. So see you. Take care. Be safe. Be happy. खूब अच्छे से गाना गाओ, खूब अच्छे से खेलो और खूब अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है? God bless you. ये नए बच्चों को बच्चों को अच्छा लगा क्लास? Thank you sir. नए बच्चों को क्लास अच्छी लगी? Yes sir. Very nice. Bye bye. See you. See you after tomorrow. Thank you sir. Thank you sir. Sign off हो जाओ. Sign off. Sairam sir. Thank you sir. Sairam. Sairam. Sign off. Bye bye. Bhaumik bye bye. Kusagar bye bye. Kusagar bye bye. Bhaumik bye bye. Bhaumik out ho jao. Bhaumik abhi aap bahar nahi hue ho, cut karo. Bhaumik Surve. Bhaumik, are you listening to me?